लोकसभा चुनाव शुरू होने वाली है और इस वक्त हम खड़े हैं बिहार के मोतिहारी के सत्याग्रह पार्क में, जहां लोगों से जानेंगे कि इस साल पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक किसे वोट करना चाहती है, केंद्र की सत्ता में कौन विराजमान होगा, या नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर महागठबंधन सत्ता पर कब्जा जमाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ताज रमेश। अगर आप किसे वोट करना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? राहुल गांधी क्यों पसंद है? ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है देश के लिए, जैसे आप राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका वोट राहुल गांधी यानी कांग्रेस को जाएगा जी। कहाँ से हैं? मुतिहारी। आपका क्या नाम हुआ? क्या बोलो? रियाज, किसे वोट करना चाहेंगे आप? राहुल गांधी को। और भी युवा मौजूद हैं, युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे, आप किसे वोट करना चाहेंगे? आई सपोर्ट फॉर मोदी जी। नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को। क्या नाम हुआ आपका? विवेक सिंह। विवेक, ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कुछ काम किया है बिहार झारखंड आप देश के लिए? नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे हित में ही बहुत अच्छा काम किए हैं, इसीलिए मोदी जी को आप क्यों नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहेंगे? हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं और हमारे देश में बहुत कुछ कर रहे हैं, जो जैसे कि बाहरी सुरक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार विंग कमांडर अभिनंदन को स्वदेश वापस लाकर विदेशियों को भी, अन्य देशों को भी भारतीय ताकत से वाकिफ करा दिया है। हमारे साथ और भी कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आ जाइए आप भैया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। धीरज, आप किसे वोट करना चाहेंगे? मेरा तो हम मोदी का फैन है ऑलरेडी। अच्छा, आप लोग नरेंद्र मोदी के फैन हैं? हम मोदी के फैन हैं और मोदी को ही सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है कि यहाँ से नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी या फिर यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर वोट मिलेगी? नहीं, देखिए यहाँ पे तो अभी मोदी के ही नाम से वोट मिलेगी, यानी अभी भी मोदी लहर बरकरार है। मोदी हमारे साथ और भी है, आपका क्या नाम हुआ? मासूम, किसे वोट करेंगे आप? मासूम थे, मासूम का भी कहना था कि नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। हम और भी लोगों से जानेंगे कि वे किसे वोट करेंगे। गौरव, आप किसे वोट करेंगे? अभी तो बीजेपी को ही करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राहत अहमद, आई एम फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं, ममता बनर्जी के क्षेत्र से हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ बंगाल में किसे वोट मिलने वाला है, वहाँ महागठबंधन को लोग सपोर्ट करेंगे या फिर नरेंद्र मोदी की भाजपा को। हम लोग तो उसी के साथ जाएंगे जिसका तो जो भी विकास हुआ, जो भी देखना चाहिए। अभी जिस हिसाब से हुआ है विकास, तो मोदी जी ने भी अच्छा ही किया है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ इस वक्त पार्क में मौजूद हैं, महिलाओं से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है, किसको वोट करेंगे इस बार, किसको आप चाहेंगे लोकसभा चुनाव में, किन का प्रधानमंत्री कौन हो? नरेंद्र मोदी। आप इसे तो महिलाओं का भी कहना है कि नरेंद्र मोदी। और जब तक हमने जो पब्लिक ओपिनियन किया है, इस बात से ज्यादातर बातें सामने आई है, ज्यादातर लोगों का ओपिनियन सामने आया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बने। हम और भी लोगों से इस बारे में जानेंगे, सबों से जानेंगे कि किसका क्या राय है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। और उपेंद्र जी कहाँ से रहने वाले हैं आप? मोतिहारी विधानसभा से रहने वाले हैं। मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। किसको वोट करेंगे इस बार, किसको पसंद करते हैं आप? देखिए हम लोग तो क्षेत्रीय लोगों को ही पसंद करेंगे, जो क्षेत्रीय लोग। मोदी या राहुल? महिलाओं का कहना है कि वे मोदी को वोट करेंगी। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके पक्ष में क्या कुछ ज़्यादा वोट मिलता है, लोगों का क्या राय है मोतिहारी को लेकर, और ख़ासकर मोतिहारी लोकसभा का सीट। ऐसे भी कुछ इंटरेस्टेड यहाँ का मोतिहारी सीट होने जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, उनके आपस में ही महागठबंधन में असहमत नहीं बनी हुई है। महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ में शहर में बाइक रैली हो रही है, शहर में उसके खिलाफ में रैली की जा रही है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर हो रहा है। तनवीर, किससे वोट करेंगे आप? कांग्रेस को देंगे। आपका? शत्रुघ्न कुमार नाम है। शत्रुघ्न जी कहाँ से रहने वाले हैं आप?
हम यही के हैं, मोतिहारी के हैं। मोतिहारी से रहने वाले, किसे वोट करेंगे आप? अच्छा, नरेंद्र मोदी तो ठीक है, अभी ठीक काम कर रहे हैं। नाम मोहम्मद अली है। अली, किसे वोट करेंगे आप? एब्सोल्युटली कांग्रेस को करूंगा। राहुल गांधी यंग है, यंग के पहचान यंग ही होता है। राहुल गांधी यंग है, आप यंग को वोट करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में 60% पीढ़ी यंग से बिलोंग करती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल यंग ही के साथ जाएंगे। और राहुल गांधी के साथ फ्यूचर दिखता है, और मोदी 5 साल में सिर्फ जुमलेबाजी सरकार के अलावा कुछ नहीं दे पाई। तो आप सुन रहे थे बापू की भूमि मोतिहारी के सत्याग्रह पार्क में, इस वक्त हम खड़े थे और लोगों का ओपिनियन सुन रहे थे कि किसका क्या मत है, कि लोग किसे वोट करेंगे। महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार, यानी महागठबंधन से कहें तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री, या फिर नरेंद्र मोदी के सर पर प्रधानमंत्री का ताज सजेगा। फिर मिलते हैं हम आपसे मोतिहारी के किसी अन्य चौराहों से, मोतिहारी के कई और सार्वजनिक जगहों से लोगों की राय लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर। कैमरा पर्सन गौतम पांडे के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी। और हमसे जुड़े रहने के लिए टुडे बिहार न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।